assalamualaikum everyone i hope you all are well and you have understood the old lesson now we're going to start our next lecture and the topic of our next lecture is the mass root students this is new topic for you and it is quite easy as you have already uh, solved the sums by addition division multiplication and subtraction but, but in this topic आप जो हैं उस सारे इस, आ, सारे आर्थमेटिक ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इन डिमैस रूल मल्टीपल आर्थमेटिक ऑपरेशन आर देयर इन अ गिवन प्रॉब्लम लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसमें मल्टीपल आर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं

Subtract now, students. So what is order of operation? The given example is 45 divided by 5 minus 1 plus 3 multiplied by 7. Here, division, subtraction sign, plus sign and multiply sign are all arithmetic operation. अब हम इसमें बताएंगे कि order of operations हैं क्या? Order to be followed. जो हमने इसमें order जो follow follow करने हैं वो क्या हैं? First of all, move left to left to right. आपने move करना and carry out division and multiplication. First of all, अगर कोई भी question आपके पास given है, उसमें आपने left से right move करना है and carry करना है division and multiply. शन को इन सेकंड स्टेप मूव लेफ्ट टू राइट इन कैरी आउट एडिशन एंड सबट्रेक्शन एंड सैकेंड स्टेप में आम एडिशन एंड सबट्रेक्शन को कैरी आउट कैरी करने नेक्स्ट है रिमेंबर द रूल डी स्टैंड फॉर डिवीजन एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सबट्रैक्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेड लर्न टू सॉल्व द सम्स इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सबट्रेक्शन देन अदर ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कोई क्वेश्चन गिवन है उसमें एडिशन एंड सब्टशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं द एग्जाम्पल इज हियर 125 ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्सटी देयर आर ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन फर्स्ट इज माइनस प्लस एंड माइनस इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द क्वेश्चन एज इट इज़ वन ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन प्लस ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू डोमैस रूल जब हम एडिशन और सेप्टशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इसमें सॉल्व करना है एडिशन को सॉल्व uh, करना है कैसे सोल्व करेंगे वन ट्वेंटी फाइव इज एज इट इज़ अब आपने पूरे क्वेश्चन में चेक करना है कि किस जगह पे हमारे पास किस प्लेस पे प्लस वाली वैल्यूज जो हैं वो अपियर हो रही हैं हेयर इज माइनस थर्टीन एंड माइनस सिक्सटीन बट द ओनली वैल्यू इज प्लस ट्वेंटी फाइव सो आई कैन राइट ट्वेंटी फाइव हेयर वन ट्वेंटी फाइव इज ऑल्सो पॉजिटिव ऐसी कोई वैल्यू जिसके साथ अगर कोई भी साइन अ नहीं हो रहा तो इट्स मीन दैट नंबर इज़ पॉजिटिव दैट नंबर इज़ प्लस वन ट्वेंटी फ़ाइव वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन एंड माइनस सिक्सटीन है एज इट इज वन यू नाउ एट द बोथ नंबर वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी इज़ माइनस अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज, आप जो जो स्टेप्स करते जाएंगे आप उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आप लोगों के लिए क्वाइट ईजी हो जाए सॉल्व करना वन फिफ्टी माइनस थर्टीन एज इट इज एंड माइनस सिक्सटीन एज इट इज नेक्स्ट स्टेप है वन फिफ्टी एडिशन तो होगी एंड देन हमने क्या है सॉल्व करना है सब सो वन फिफ्टी माइनस थर्टीन एंड माइनस फिफ्टीन इस पूरे क्वेश्चन को हम फुली सॉल्व नहीं करेंगे वन बाय वन स्टेप्स में लेके चलेंगे So, first of all, you can minus 150 minus 13, which is equal to 137. Okay, now 137 is here in 16 as a test. 137 minus 16 is equal to 121. Let us, this question is solved with addition, with operation of addition and subtraction. Now, consider an example 2, 13, 13 plus 5 minus 16 plus 2. These are, first of all, here the operation is plus minus n plus first of all you can solve 13 plus 5 is equal to 18 minus 16 as it is and plus 2 as it is the is question again alternative sign it minus and then plus so first of all you can carry the plus operations additions operations or addition values here is plus 2 so we combine plus 18 and plus 2 is here with a one operation and minus 16. Eighteen plus two is twenty. In minus sixteen, as it is twenty minus sixteen is equal to four. See, though these two examples are solved with the operations addition and subtraction. Now, further moving for other operations, for division and multiplication. In this example. Uh,

फर्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना था बिकॉज हियर द डिवीज़न ऑपरेशन नेक्स्ट फर्दर फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन बिकॉज मल्टीप्लीकेशन करनी है फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन इज थर्टी फाइव एंड प्लस एट एज इट इज फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन इज थर्टी फाइव एंड प्लस एट थर्टी फाइव प्लस एट इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इफ देयर इज माइनस साइन तो सो so इसके बाद हम क्या कर लेते हैं उसको माइनस Let us consider here an example with only division and multiplication operation. First of all, you can divide the both number. Ninety two divided by four. Ninety two divided by four. 2's 4 are eight. Nine minus eight is one. Two brings down and four threes are twelve. So twenty three is here. Answer of ninety two divided by four is twenty three. So twenty three is here. Multiply eight a sign as it is. अब देखें एटी फोर डिवाइडेड बाई फोर भी तो डिवाइड हो रहा है तो एटी फोर से जब हम डिवाइड करेंगे फोर तो फोर ट्वेंटी वन आर एटी फोर देन नेक्स्ट स्टेप इज ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन आई मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री बाय मल्टीप्लायर ट्वेंटी वन सो द आंसर इज फोर सेवेंटी थ्री इस तरह से अब आपने डिमैस रूल हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हमने डिमैश रूल के थ्रू सॉल्व करनी है डिमैस रूल में अब आपके पास फोर ऑपरेशन के है फोर के फोर देखिए इस क्वेश्चन में नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन प्लस सिक्स माइनस फोर्टी डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस टेन माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सॉल्व द डिवीजन नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज नाइनटीन मल्टीप्लाई टेन एज इट इज प्लस सिक्स एज इट इज इज माइनस फोर फोर्टीन एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लीकेशन नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई टेन इज़ वन नाइन्टी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया मैं प्लस सिक्स एज इट इज माइनस फोर्टीन एज इट इज़ थर्ड स्टेप में है वन नाइन्टी प्लस सिक्स इज वन नाइन्टी सिक्स एंड लास्ट स्टेप इज माइनस फोर्टीन लेकिन मैंने सारे स्टेप्स को अंडरलाइन किया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया देन सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई टेन से किया एंड देन प्लस और लास्ट स्टेप में हमने माइनस करके तो वन नाइनटी सिक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू वन एटी टू इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स ना कन्डर अदर एग्जांपल विद अल्टरनेटिव साइन द फर्स्ट साइन इज डिवीजन सेकंड वन इज एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस साइन Now, first of all, you can solve the division 105 divided by 5 plus 8 multiplied by 11 and minus 14. So, 105 divided by 5 here I divide the question and 105 divided by 5 2 are 10. 0 minus 0 1 minus 0 to 5 brings down to 5 1 5. 21. So, when we divide 105 divided by 5 answer will be 21. The next step plus sign as it is. एट्स इज एज इट इज इन मल्टीप्लाई एट एलेवन इज एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिविजन है सबसे पहले देखिए हमने साइड पर लिख लेना है डी मैथ्स डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में डिवीजन हो इफ डिवीजन इज अ देन आप डिवीजन सॉल्व करें नहीं तो आप फर्दर फॉरवर्ड हो जाएं मल्टीप्लीकेशन पे मल्टीप्लीकेशन गिवन है मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करें देन एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन 8 multiplied by 11 is 88 here i multiply the 11 multiplied by 8 is 88 so 21 as it is plus sign as it is 88 as it is in minus 40 the both operations are solved so let's move further to the addition operation 21 plus 88 is 109. 8 plus 1 is 9, and 8 plus 2 is 10. 109 and minus 9 as it is, and 14 as it is. So the last step is 109 minus 14 is equal to 95. This question is Now you can solve the exercise 1F on your loose sheets. If you have any question regarding this lecture, you can ask me without any hesitation. Thank you so much. Have a nice day.